नमस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शांति शांति शांतिः। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने तीन प्रकार के लोगों का वर्णन किया। एक ऐसे लोग हैं जो निष्काम है, विरक्त है, मुमुक्षु है। दूसरे जो है उनका उन्होंने नाम दिया सकामी, जिनको अभी जगत के विषय में रस है, जगत के भोगों में रुचि है, कामनाएं हैं। ये दूसरे प्रकार के। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो अशास्त्रीय जीवन जीते हैं, उच्छृंखल जीवन, मनमाना जीवन, जो किसी भी प्रकार के नियंत्रण या अनुशासन को स्वीकार नहीं करते, अशास्त्रीय प्रवृत्ति जिनकी है। इन तीनों के जीवन में परिणाम क्या होता है उसका भी उन्होंने संकेत किया कि जो निष्काम मुमुक्षु है उसके जीवन में परिणाम आता है कि उसका मन ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। सत्व शुद्ध्यर्थम ये शब्द कल आया था। सत्व मतलब अंतःकरण उसका प्रसन्न होता है, शुद्ध होता है, ये परिणाम। जो सकामी व्यक्ति है वो परिस्थिति को तो प्राप्त करता है, अच्छी परिस्थिति, लेकिन अंतःकरण उसका वैसा ही रहता है। उसमें वैराग्य आ जाए, भक्ति बढ़ जाए, ये नहीं। और वह पुनरावर्तन को प्राप्त होता है, बार बार जन्म लेता है, मरता है। और जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति है उसके लिए कहा अधोगति, स्थावरांता अधोगति। वो कीट पतंग पशु पक्षी वनस्पति स्थावर आदि योनि को प्राप्त होता है। अब कोई कहेगा ये सारी चीजें बताने की आवश्यकता क्या है, ये क्यों आप इस संबंध भाष्य में बता रहे हैं? तो इसके पीछे कारण यह है कि ये केनोपनिषद का प्रारंभ एक प्रश्न से होता है, एक जिज्ञासा से होता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, ऐसा एक पहला ही मंत्र आएगा। किसकी प्रेरणा से मन काम करता है, तो ये जिज्ञासा है।
लेकिन ये जिज्ञासा हर व्यक्ति में उत्पन्न नहीं होती। जिज्ञासा उत्पन्न होने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को बताने के लिए भाष्यकार यहां पर ये सारा भाष्य लिखते हैं। ये जिज्ञासा का अंकुरण किसमें होगा? भोगी व्यक्ति में होगा या सकामी में होगा या निष्काम में होगा? तो यहां पर आगे के भाष्य उन्होंने यही सिद्ध किया कि जो व्यक्ति विरक्त है उसी के मन में ये आध्यात्मिक प्रश्न, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इस तरह की जिज्ञासा आती है। तो वो साधक एक पूरी प्रक्रिया से गुजरता है और उसका परिणाम, सुफल, सुपरिणाम जिज्ञासा में है। तो प्रक्रिया का निर्देशन करने के लिए यहां भाष्यकार ये तीन प्रकार के लोगों की चर्चा करते हैं। पर वही व्यक्ति पहले सकामी था, उसने उपासना की, सत्कर्म किए, अपने आप को तैयार किया, वही कौन बना? निष्काम, वही जिज्ञासु बना। यहां पर उसी प्रक्रिया की यहां बात करते हैं। देखो, जैसे दूध से यदि हमको घी निकालना है तो एक प्रक्रिया है। दूध में वो जामन डालते हैं, थोड़ा सा दही, उस दूध को फिर एक जगह रख देते हैं बिना हिलाए, तो वो दही का परिणाम ये होता है कि वो दूध भी दही में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। फिर दही का मंथन किया जाता है, दही मंथन, तो उसमें से मक्खन निकलता है। फिर मक्खन को गर्म किया जाता है तो उसका रूपांतरण घी में होता है। ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है, मलाई से लोग सीधा घी निकाल लेते हैं, वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन आयुर्वेद के लोग ऐसा कहते हैं कि दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, इसमें जो गुण होते हैं उस घी में, और मलाई से निकला हुआ घी, उसमें गुणों में फर्क हो जाता है, गुणधर्म में थोड़ा अंतर होता है। खैर, तो हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। यदि आम का फल लगा हुआ है आम के पेड़ पर, तो एक प्रक्रिया से गुजरा है, तब जाके वो फल जो है टपकता है, हमको मिलता है, उसमें रस आता है। फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में भी कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाती है तो उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। रॉ मटेरियल एंटर करता है, फिर बाहर से जो है अंत में फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो तरह तरह की प्रक्रियाओं से गुजर के एक वस्तु अपने हाथ में आती है। ये जो मटका है ना, मटका, मट पॉट, वो भी कितनी प्रक्रिया से गुजरता है। कुम्हार जो है तरह तरह की प्रोसेस करता है। तो जगत में हर चीज के लिए है ना एक क्रिया है। तो यहां पर कहते हैं जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है तो हमारा मन अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। अब यहां कहते हैं
कलम जहां तक आए थे, प्रजा तिस्रो अत्यायमीयुः इति च, यहां तक कल आए थे, आप अपने भाष्य को देखिए। मंत्र वर्णात बोले ये तीन प्रकार की प्रजा उत्पन्न होती है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जिनकी अधोगति होती है, उनका यहां वर्णन। इसके बाद आगे कहते हैं, अब देखिए उसी मुमुक्षु की चर्चा करते हैं। कहते हैं शब्द देखिए भाष्य में, विशुद्ध सत्वस्य तु निष्कामस्य एव बाह्यात् अनित्यात् साध्य साधन संबंधात् इह कृतात् पूर्वकृतात् वा संस्कार विशेष उद्भवात् विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। तो ये देखिए इस पंक्ति में पूरा वर्णन उन्होंने कर दिया कि जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होती है। ये जो उपनिषद जिज्ञासा से प्रारंभ हो रहा है तो वो साधक के अंतकरण में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसके मन में जिज्ञासा हुई। तो बहुत अच्छा लिखते हैं, ये पंक्ति पूरी अंडरलाइन करने योग्य है। तो कहते हैं विशुद्ध सत्वस्य तु निष्कामस्य एव, जिसने अपने अंतकरण को स्वच्छ किया, विकारों से मुक्त किया। एक संत कहते थे ये विकार मतलब क्या है, तो बोले जो आपको बेकार करे वो है विकार। जो किसी काम का रहने लायक न रखे वो कौन है, विकार। जब काम क्रोध लोभ इत्यादि आ जाते हैं तो व्यक्ति का ऐसा पतन होता है, पुरुषार्थ अयोग्य भवति। भाष्यकार ने दूसरे अध्याय में गीता जी के ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसके ऊपर भाष्य लिखते हुए वो कहते हैं कि व्यक्ति कैसे गिरते जाता है, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रवा, और अंत में लिखते हैं बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो वहां पे वो यही लिखते हैं कि उसके बाद वो कुछ भी करने लायक नहीं होता, पुरुषार्थ अयोग्य। सामान्य जीवन की उपलब्धियां भी हासिल करना उसके लिए मत कठिन हो जाता है, जो बहुत क्रोधी है, बहुत अभिमानी है, बहुत कामी है, बहुत लोभी है। तो दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, जिसने मन को पूरी तरह क्या बना दिया, डस्टबिन बना दिया, कचरा पेटी। लेकिन यहां पर कैसा है, सत्व शुद्ध, जिसने सफाई की उसने। सफाई के बहुत सारे साधन है, पूजा की, जप किया, सत्संग किया। तो विशुद्ध सत्वस्य तु निष्कामस्य एव, उसकी कामनाएं धीरे धीरे क्या होती चली गई, कम कम होती चली गई। कामनाओं का जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो कम होते। पहले उसके भीतर इच्छा आती थी, जब तक वो पूरी न करे तब तक मन शांति नहीं, लेकिन अब इच्छा आती है, थोड़ी देर रहती है, चली जाती। ज्ञानी का वर्ण ऐसा ही किया है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्वर। समुद्र में इतनी नदियां आती है उसको भान भी नहीं है, वो अपनी मस्ती में जो है वो वहां पे स्थित है। आपूर्यमाण, नदी पानी डाले या न डाले उसको फर्क नहीं पड़ता,
तो वहां ये अर्थ दिया कि कामनाएं आती है जाती है विदाउट डिस्टर्बिंग इट। तो यहां पर भी यही कहते हैं निष्कामस्य, कामना है उसकी शांत हो गई। विवेक चूड़ावणी का वर्णन है निरिंदन इव अनलह, जैसे अग्नि में ईंधन डालना यदि बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाती है शांत। ये अपने भीतर भी एक कामनाओं का ईंधन जब तक जलता ही रहेगा, फ्यूल ईंधन फ्यूल, तब तक व्यक्ति जो है वो स्थिर नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता। तो निष्कामस्य, ऐसा जो निष्काम है इसकी क्या सोच है, इसकी मान्यता क्या है। वेरी ब्यूटिफुली एज एक्सप्लेन, कहते बाह्यात अनित्यात साध्य साधन संबंधात, बोले ऐसे इस मुमुक्षु को अब ऐसी किसी वस्तु में रुचि नहीं है जो कैसी है बाह्य है। तीन शब्द दिए हैं, ध्यान से सुन, बाह्यात अनित्या साध्य साधन संबंध, बोले बाह्य वस्तु में उसकी ज्यादा रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। बाह्य मतलब क्या, हमको लगता है बाह्य मतलब शरीर के बाहर की जो चीज, शरीर के बाहर जो है शरीर के अलावा वो है बाह्य। लेकिन अध्यात्म में आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब बाह्य है, सारी अनात्म वस्तुएं आ गई उसमें, बस आत्मा को छोड़ के। तो मन भी बाह्य है, हाँ, वासनाएं भी बाह्य है, संस्कार भी बाह्य है, इंद्रियां भी बाह्य है, शरीर भी बाह्य है, कि शरीर से अन्य तो होगा ही सब बात। तो बोले इन बाह्य चीजों में उसकी उसका मन जाता नहीं। बोले क्यों नहीं जाता, तो दूसरा शब्द यहां दिया है अनित्या, उसने देख लिया है कि ये सब चीजें अनित्य है, इम्परमानेंट है, इनको कितना भी संभाला जाए वो मर जाती है, हट जाती है, अनित्य है। और बोले हमको ये अनित्य टेम्पररी चीज नहीं चाहिए, एक ठहराव चाहिए, एक स्थिति चाहिए जहां से हमको हटाया न जा सके। वो ऐसा आनंद, ऐसा सुख या ऐसी शांति चाहता है जो हमेशा बनी रहे। तो बोले जहां जहां भी उसको ये अनित्य चीज मिलती है उसको रिजेक्ट करता है, अरे बोले ये नहीं। बाह्य चीजें जितनी भी वो सब अनित्य है, शरीर को हम कितना भी संभालने का प्रयत्न करें वो बिगड़ता ही जाता है, एक दिन उसको ठीक ना रखो तो देखिए ये शरीर बहुत मेंटेनेंस मांगता है, रोज रोज स्नान कराओ, रोज रोज इसको साफ करो। मन के भी यही हाल चाल है। तो ये अनित्य है, बोले ये बार बार वाली चीजें हमको नहीं चाहिए, ऐसी कुछ चीज चाहिए जो नित्य हो। अच्छा, तीसरा शब्द दिया साध्य साधन संबंधात, साधन से सिद्ध होने वाली जो चीज है उसमें वो विरक्त हो गया है। साध्य साधन का अर्थ क्या होता है, साधन करो साध्य को प्राप्त, साधन करो साध्य को प्राप्त। जहां साधन आपने छोड़ा कि वो सिद्धि भी गई, जगत की तो सारी उपलब्धियां यही है। कई बार हम ये बात
बता चुके हैं, ये विषय आ चुका है, साध्य साध। अपने करियर को मेंटेन करने के लिए उनको सतत प्रयत्न करना पड़ता है। खिलाड़ी है, उसको सतत परफॉर्म करते ही रहना पड़ता है। जहां उसने ढिलाई की कि उसको टीम से निकाला। राजनीति में भी देखिए, सतत उनको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, हेडलाइन में रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक ठाक भी करते हैं, कुछ गड़बड़ भी करते हैं, बोले नाम तो आ रहा है ना हमारा। नाम को मेंटेन करना, न्यूज़पेपर में हर दिन आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, साधन से सिद्ध होने वाली चीज, लाइम लाइट में रहना पड़ता है ना। यदि लोग भूल जाएंगे तो फिर गया। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो जगत का, कहीं भी उपलब्धि प्राप्त करनी है तो वो सतत कुछ कुछ करना ही पड़ता है। साध्य साधन, साध्य साधन। लेकिन ये क्या है, व्यक्ति बोले हमको सिद्ध वस्तु चाहिए, ये साधन से प्राप्त होने वाली नहीं। क्योंकि देखिए, साधन हमेशा एक जैसे बने नहीं रहते, ध्यान से सुनो। इसलिए अब खिलाड़ी कितने दिन तक खेल खेले, उनका भी एक लिमिट होती है, हर चीज की एक सीमा है। तो ऐसा उसका मन बन गया है। योग वासिष्ठ में आता है, प्रभु रामचंद्र जी की भी मनस्थिति एक बार ऐसी, उनको किसी भी बाह्य चीज में रुचि नहीं रही, बोले क्या करेंगे, अलग अलग चीजें उनको दिखा रहे हैं, बोले क्या होगा इससे, आज है कल नहीं रहेगी। दशरथ जी को बड़ी चिंता हो गई थी, बोले इनको कुछ मानसिक रोग हो गया है कि क्या, अवसाद वगैरह हो जाता है। लेकिन वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी बड़े खुश हुए, बोले हाँ अब ये एक ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं जिसको कहते हैं मुमुक्षु की स्थिति। वो दुख के कारण निराश हताश नहीं हुए थे, बल्कि वस्तु का परीक्षण करने के बाद, जगत को देखने के बाद, सर्वम क्षणिकम, वहां पे ज्ञान दिया है, बड़ा सुंदर प्रकरण राम जी। तो ये तीन चीज बोल दी, बाह्यात अनित्यात साध्य साधन संबंध, इन तीनों से क्या होता है, वो विरक्त होता है। बोले कैसे ये हो जाता है, तो देखिए आगे की पंक्ति, कृतात् पूर्व कृतात् वा संस्कार विशेष उद्भवात् विरक्त। बोले उसके पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म, इन कर्मों का सुपरिणाम ये है कि उसके मन में ये निष्कामता जागी है। परसों भी हम बता रहे थे, हम कर्म करते हैं और कर्म का परिणाम एक वृत्ति होती है। आप जैसा कर्म करोगे तदनुसार वृत्ति उत्पन्न होती। पुण्य कर्म किया तो पुण्योहम, यह वृत्ति हुई कि नहीं। पाप कर्म किया तो बोले अरे मैं तो पापी हो गया, पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, आ जाता है ना उसमें ये भाव। तो कर्म ऐसा ही नहीं है कि कर्म किया और उसका कोई फल नहीं होता। हाँ, बाहर तो फल होता है, बाद में फल होता है, लेकिन तत्क्षण में, तत्काल में ये जो वृत्ति का उदय होता है, साधको हम पासको हम। जैसे आप इंजीनियरिंग की कॉलेज में पढ़े, जैसे ही डिग्री मिलती है एक वृत्ति उत्पन्न होती है, हम इंजीनियर,
डॉक्टर की वृत्ति पैदा होती है जब एमबीबीएस की डिग्री आपको मिलती है। तो जो आपने इतना कर्म किया उसका परिणाम क्या हुआ, ये अहम में एक नया भाव आया। तो यहां पर भी कहते हैं कि कृतात् पूर्व कृतात् संस्कार विशेषा, पहले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म, और यह कर्म मतलब सत्कर्म, सत्कर्म का ही फल है विरक्ति शुद्धि। जैसे कल परसों भी हम देख रहे थे, जब संध्या करते हैं तो संध्या करने के बाद अपने में एक अनुभव आता है कि मैं थोड़ा शुद्ध हो गया, तो ये सत्कर्म हुआ ना, सत्कर्म का ही परिणाम शुद्धि। किसी को मार करके तो ये भाव नहीं आता कि मैं शुद्ध हो गया, चोरी करके तो ये भाव नहीं आता। तो यहां लिखते हैं पूर्व जन्म के और इस जन्म के, देखिए दोनों को यहां मिला है, उन दोनों के कारण संस्कार विशेष उत्पन्न होते हैं, संस्कार बनते हैं, वो संस्कार के कारण उसके मन में ये जो जगत के प्रति राग है द्वेष है दोनों, हाँ विरक्त मतलब ऐसा ना समझना कि जिसको संसार से घृणा हो गई, नो, हाँ हाँ राग और द्वेष दोनों यदि हम जगत में रखें, इसका मतलब जगत में हमने सत्य बुद्धि रखी, महत्व बुद्धि रखी, नेगेटिव इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, द्वेष मतलब क्या, नकारात्मक उसको महत्व, व्यक्ति से द्वेष है, उसको देख के जो गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, तो उसको आपने महत्वपूर्ण समझा ना। तो इसलिए वैराग्य का मतलब है न राग न द्वेष। इसे खेलने के प्रति हमको न राग है न द्वेष है, उसके प्रति वैराग्य है। कई बार लोग लगता है वैराग्य मतलब ऐसे जगत को गाली देते रहना, अरे जगत तो झूठा है, जगत तो दुख देने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको खिलौने में रस नहीं है तो आप क्या खिलौने को गाली देते हैं? खिलौने के प्रति न तो आसक्ति है न कुछ दुर्भावना है, याद ही नहीं है उसे, ये है वैराग्य की स्थिति। जहां बिल्कुल कैसा है वो व्यक्ति उदासीन उसके प्रति, न कस्यचित पक्षम भजते कराचार्य, तटस्थ रहता, सम रहता, ना काहू से दोस्ती ना काहू से भय, ये वैराग्य है। तो यहां पर लिखते हैं कि जब इस तरह की मनोदशा होती है, मनोभूमि होती है, प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते, देख अब आया फल, पहले इतना सब किया, अच्छे कर्म किए, संस्कार बनाए, मन को स्वच्छ किया, तो फल क्या आया, जिज्ञासा का अंकुरण हुआ, जिज्ञासा स्प्राउट्स उसमें आती है जिज्ञासा। तो ये है प्रक्रिया, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा जिज्ञासा का अर्थ क्या है, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। ओ जानने का विषय क्या है जरा वो भी बता दीजिए, कौन सी जिज्ञासा उसमें उत्पन्न होती है। हम लोगों के मन में भी जिज्ञासा तो बहुत है, तो हम भी जिज्ञासु है क्या, मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, कौन सा नया कपड़ा आया है, कौन सी नई वस्तु आई है, जिज्ञासा तो है ना, कौन सा नया फोन आया है, हम भी जिज्ञासु है। बोले नो नो, जिज्ञासा का विषय सुनिए, प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्त, जिज्ञासा का विषय है प्रत्यगात्मा, मतलब प्रत्यक का अर्थ पहले हम देख चुके हैं,
जो सर्वांतरंग है, जिससे और अधिक अंतरंग कोई चीज। सबसे पहले आत्मा है, उसके बाद सारी चीजें। आत्मा है, फिर त्रिगुण है, फिर संस्कार है, वासनाएं हैं, वृत्तियां हैं, प्राण है, इंद्रियां हैं। सर्वांतरंग सबसे पहले कौन है? मैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमको भान किसका होता है? अहम, मैं। स्फुरतिरत स्वयं परम पूर्ण सत्, शंकराचार्य रमण महर्षि के अहम अहम की जो स्फूर्णा होती है, तो इसको कहते हैं प्रत्यक, प्रत्यक आत्म विषय। तो प्रत्यक आत्मा, जो आत्मा जो कि प्रत्यक है, उसके बारे में इच्छा उत्पन्न होती है ना। कितनी बढ़िया ये पंक्ति है, पूरी के पूरी पंक्ति याद है। हाँ, यदि आज हम जिज्ञासु नहीं बने हैं तो अर्थ क्या होगा? बोले इसका मतलब विरक्त नहीं है। विरक्त क्यों नहीं है? बोले वैसे संस्कार हमने मन में बनाए नहीं। क्यों नहीं बनाए? तो बोले वैसे कर्म हुए नहीं। देखो, इनमें कार्य कारण संबंध है। वन विल लीड टू अदर, एक पंक्ति में पूरा लिख दिया। कृतात् पूर्व कृतात्वा संस्कार विशेषाद विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते, हो गया। तो अब कहते हैं ऐसा जो जिज्ञासु है उसी का वर्णन इस उपनिषद में आया है। आपने यदि विवेक चूड़ामणि पढ़ा हो तो वहां पर भी ऐसे ही जिज्ञासु का वर्णन बिल्कुल तैयार होकर आता है और यही प्रश्न करता है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, कोसावनात्मा परमक आत्मा कथम प्रतिष्ठा, मोक्ष कैसे होगा, आत्मा क्या है, मैं कौन हूं। ये जिज्ञासा यदि पैदा हो गई तो समझ लीजिए हमारे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, भगवान की कृपा है, ये भी आप मान लीजिए। विवेक चूड़ामणि में भाष्यकार कहते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, दूसरे ही डाल दिया है। सब मुमुक्ष कहां उंगली पर गिनने लोग इतने हैं, सो इतने कम मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यदति। तो भीड़ तो जा रही है दूसरी दिशा में, भीड़ से अलग अपने आप को करने वाले सम रेयर। तो क्यों जिज्ञासा नहीं हो रही? क्योंकि ये पीछे की प्रक्रिया उनके जीवन में उतरी नहीं है। तो बोले ऐसे अब जिज्ञासु के बारे में तद एतद वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते केने शितम इत्यादया। बोले बस अभी जिसका वर्णन किया गया ऐसे ही जिज्ञासु का वर्णन यहां हुआ है। इस आत्म विषयक जिज्ञासा का चित्रण एक जिज्ञासु के माध्यम से किया है। एक जिज्ञासु है, वो आता है और प्रश्न प्रतिवचन लक्षण आया, प्रश्न उत्तर के रूप में वहां पर श्रुति जो है गुरु और शिष्य का संवाद दिखाती है कि ये जिज्ञासा का जो आश्रय है वो कौन है? जिज्ञासु है। बुभुक्षु नहीं होगा, मुमुक्षु के अंतकरण में ये अंकुरित होगी। कहते ना काम ही सम क्रोधी हरि कथा ऊसर बीज बये फल जथा। कामी के हृदय में शांति
नहीं आ सकती। शांति के बारे में बताना व्यर्थ है। काम ही सम क्रोधी हरि कथा, जो बड़ा गुस्से वाला क्रोधी है उसको आप हरि कथा सुना रहे हैं, उसमें कभी अंकुरण होगा ही नहीं भक्ति का। तो ऐसे ही है, ऊसर बीज बये फल जता। ऊसर भूमि है, बंजर भूमि है, उसमें आप बीज डाल रहे हो और चाहो कि उसमें कुछ अंकुरण आ जाए, बोले वो जमीन है ही नहीं वैसे जिसमें कुछ हरी घास भी लगे। जमीन तैयार करनी पड़ती है। तो यहां पर कहते हैं उसने तैयार की और अंकुरण हुआ, और प्रश्न वो करता है केने शितम इत्यादि, किसके द्वारा ये मन प्रेरित होता है। देखो बहुत गहरा प्रश्न है, वो देखेंगे। तो यहां तक भाष्यकार ने देखिए मेहनत करके ये बताया कि ये प्रश्न करने वाला कौन है, अद्भुत बात। अच्छा, भाष्यकार यही नहीं रुकते, अपने इस सिद्धांत को वो कठोपनिषद की श्रुति से पुष्ट करते हैं। ये भाष्यकार की शैली है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, भाष्यकार जब अपनी कोई बात रखते हैं तो तुरंत इति श्रुते है, हाँ श्रुति में भी ऐसा ही बताया है। तो बोले ये जो हमने कहा काठ केच उत्तम, कठोपनिषद में भी ऐसा ही वर्णन आया है जिज्ञासु का, कहा है बताइए। तो परांचिखानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् देर प्रत्यगात्मा नमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन् इत्यादि। ये पूरा मंत्र ही उन्होंने उद्धृत कर दिया। इस मंत्र में अभी जिसका वर्णन किया बस वही है। क्या कहते हैं, बोले परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू। स्वयंभू मतलब भगवान परमात्मा, स्वयं भवति, स्वयं भवति मतलब स्वयं सिद्ध है, कहीं से आया नहीं, उसके कोई माता पिता नहीं, जो अकारण है, विदाउट एनी कॉज, कॉजलेस कॉज है वो। ये शब्द ईशावास्योपनिषद में भी आया था, ऐसा हम तो भूल गए। आप पढ़िए फिर से, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, आया ना परिभू स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ बताया था कि जिसका कोई कारण नहीं है, स्वयं भवती। तो स्वयंभू परमात्मा ने क्या किया, इस मंत्र को देखिए, बोले परांच खानी, खानी मतलब इंद्रियाणी, खा शब्द से क्या लेना है, इंद्रिया। बोले ये भगवान ने इंद्रियों को कैसे बनाया, अब बहिर्मुखी बनाया। परांची, देखो एक होता है प्रत्यक, अभी हमने बताया प्रत्यक मतलब अंतरंग, और पराक मतलब होता है बाहर। तो ये इंद्रियों का मुख जो है ना वो हमेशा कहाँ है, बाहर बाहर बाहर। ये भगवान ने कुछ इस तरह से निर्मिति की है कि इंद्रियों की प्रकृति, उनका स्वभाव बाहर की ओर दौड़ना है। लोग बोलते कुदरती है, प्राकृतिक है ना, नेचुरल है सब। तो परांची खानी मतलब इंद्रियाणी व्यतृणत स्वयंभू। व्यतृणत शब्द का अर्थ है, व्यतृणत का अर्थ होता है कि ये इंद्रियों को बहिर्मुखी बना के भगवान ने मानो कि हमारा तो जीवन ही क्या कर दिया, बिखेर दिया, बर्बाद कर दिया, बस बाहर की ओर भाग रहे हैं हम। बहिर्मुखी बनाकर हिंसित कर डाला, यतृणत।
आप बस ध्यान करने बैठते हैं, आंख के थी जरा बाहर देखो, कान कहते हैं वो सुन लो, जिह्वा कहती है कुछ खा लो, ये सारी इंद्रिया क्या कहती है, हमारी मांगे पूरी करो, झंडा उठा के हमारी मांगे पूरी करो। ये तो स्थिति है प्राणच खानी व्यतृणत स्वयं, और इसका परिणाम क्या होता है, तस्मात परां पश्यति नान्तरात्मन। अब ऐसी है बहिर्मुखी इंद्रियों के चंगुल में हम फंस जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं, और परां पश्यति न अंतरात्मन, बस उनके साथ बहते चले जाते हैं, और अंतरात्मा को तो पूरी तरह भूल ही जाते हैं, उधर जाने का मन ही नहीं होता। अच्छा, इंद्रिया बहुत ताकतवर है, इसी खींच ले जाती है, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंति प्रसभम मन, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय, इनको कहा है ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, मन की एकाग्रता मन की शांति उसको लूट लेते हैं, हाईवे रॉबर्स कहते हैं। हाँ, बढ़िया रास्ता है, उसके ऊपर कोई कोई लुटेरे होते हैं, वो तो ये लूट ले जाते हैं, इसलिए न पश्यति अंतरात्मन। लेकिन ध्यान से सुन, अब फिर वही मुमुक्षु का वर्णन है, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्, लेकिन कोई एक धीर होता है, कश्चित् बहुवचन नहीं है या एक वचन है, कोई कोई, चले चले सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, चलने को सब कहते चलो चलो, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, साधना करेंगे, सभी लोग कहते हैं चलो चलो, लेकिन बिरला पहुंचे कोई, कोई बिरला ही होता है वो पहुंचता। तो एक स्वामी जी कहते थे, बिरला मतलब टाटा बिरला नहीं, बिरला मतलब रेयर वाला, पहुंचे बिरला को। बोले सब लोग क्यों नहीं पहुंचते, एक कंचने कामिनी दुर्गम घाटी दोई, कंचन कामिनी है ना, ये बाधाएं हैं, स्त्री में पुरुष की आसक्ति, पुरुष में स्त्री की आसक्ति, और दूसरा है कंचन, धन जमीन जायदाद संपत्ति, ये दो बड़ी बड़ी घाटियां हैं जिसको पार करना कठिन हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सैल विशाला, घर के इतने काम काज हैं, इतनी व्यस्तताएं हैं, ओहो, इतनी प्रायोरिटीज हैं हम लोग, तो ये अंतरात्मा दर्शन प्रत्यगात्मा की जिज्ञासा, ये हमेशा ही कहीं पीछे कोने में पड़ी रह जाती, आती नहीं, अंकुरित ही नहीं। लेकिन कश्चित धीरा, लेकिन कोई है, वो क्या करता है, प्रत्यगात्मानमैक्षत, वो प्रत्यगात्मा को देखता है। हाँ, उसने इन सब बाधाओं को पार करके बहुत बढ़िया अंतरंग में वो पहुंच, जैसे होता है कि नहीं तैराक, वो सारे उस प्रवाह की उल्टी दिशा में तैरते हुए पहुंचता है। तो ऐसे ही वासनाएं संस्कार, इनका एक प्रवाह है, इसके उल्टा वो चला है, इंद्रिया मन तो कह रही चलो बाहर निकलो बाहर निकलो, लेकिन इसने अपने आप को अंदर खींचा है। प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वम इच्छन, इसने क्या किया, आवृत्त चक्षु इंद्रियों को बंद किया, एक इंद्रिय का नाम है चक्षु, आंख, आंख को बंद किया इसने,
अब आंख बंद करने से आप पूरा अर्थ ले लीजिए, व्यापक अर्थ, जिसने इंद्रियों को संयमित किया, ये है आवृत चक्र। तो आंख तो सभी लोग बंद करते हैं, आत्मा कहां दिख, तो आंख बंद करने का अभिप्राय है इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में उसने बिठाया, नेत्र बंद। जब सब वानर लोग सीता जी की खोज में चले हैं, सीता जी का कुछ पता आता मिल नहीं रहा है, सब लोगों को प्यास लगी, प्यास लगी है तो हनुमान जी उन सबको एक गुफा में ले गए, जहां पे एक स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी बैठी। आप ये किष्किंधा कांड में पढ़िएगा, वर्णन आता है, सारे वानर खोज रहे, स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी जब मिली है तो वो सारे वानरों को कहती है आप बैठिए, हम आपकी मदद करें। और उन्हें एक आदेश दिया, क्या, मूंदहु नयन, अपनी आंखें आप बंद कीजिए। सारे वानर लोगों ने अपनी आंखें बंद, अब आप चित्र सामने लाइए, सारे वानर आंख बंद करके मेडिटेशन कर, तो आवृत्त चक्षु हो गए। अच्छा, और आश्चर्य क्या हुआ, जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने आप को कहां पाया, समुद्र के किनारे। ओ, कहां से कहां वो पहुंच गए, कहां जंगल में पहाड़ में फंसे हुए थे, सीधे पहुंच गए रामेश्वर। स्वयं प्रभा ने मानो कि उनको लिफ्ट करके वहां रख, तो देखो उसका आध्यात्मिक अर्थ महात्मा लोग बताते हैं, मूंदहु नयन, उन्होंने आग बंद की और वो सीता जी के काफी निकट पहुंच, समुद्र के किनारे पहुंच गया, मतलब उसके बाहर आगे तो मां जानकी है। तो अर्थ वहां पर यही बताया कि जो अंतर्मुखी होता है वही इस परम शांति तक पहुंच सकता है। ये सीता माता ही कौन है, शांति विदेह सुता सहचारी, आत्मगत शांति, आत्मस्थ शांति। तो देखो कथा के माध्यम से बिल्कुल यही वर्ण, ये सारे वानर भी मुमुक्षु है, जिज्ञासु है ऐसा के, और हनुमान जी उनमें सर्वश्रेष्ठ, तो वो पहुंच पाए। तो आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन इत्यादि, तो देखो ये कठोपनिषद की श्रुति थी। फिर एक मुंडकोपनिषद की श्रुति में भी यही वर्णन है। देखो भाष्यकार हमारे लिए कितनी तैयारी करके रेडीमेड सब दे रहे हैं। देखो मंत्र इसमें भी आया है, सॉरी अथर्वण ऋषि श्रुति में, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्ति कृतक कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम इत्याद्या अथर्वणे च। ये अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद है, उसकी श्रुति है, बोले वहां पर भी यही वर्णन है। मतलब ये जो जिज्ञासु का वर्णन है अन्य शास्त्रों में आया है, यहां तो सीधे उसका प्रश्न ही रखा है, लेकिन प्रश्न आने के पहले क्या उसकी तैयारी है ये बताने वाले दूसरे उपनिषद है, उद्धरित कर। तो बोले उसने क्या किया, उस साधक ने, परीक्षलोकान कर्मचिता, सारे लोगों की परीक्षा की, ठोक बजा के देखा कि क्या इसमें नित्य तत्व है, शाश्वत शांति है, ऐसी कोई स्थिति मिलेगी जहां से हमको हटाया ना जाए, ये परीक्षा की उसने, अपने अनुभव से परीक्षा की, दूसरे के अनुभव से परीक्षा की।
देखो बुद्धिमान वही होता है जो दूसरे की गलतियों से सीखे। हाँ, तो अपनी गलतियां से तो वो सीख ही रहा है, लेकिन दूसरे ने जो गड़बड़ किया है उससे भी वो सीखता है। इसी को तो परीक्षण, हर बार गड्ढे में गिर के फिर हम सीखे, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। तो पूरे जगत का उसने परीक्षण किया। उदाहरण देते हैं, जैसे मटके को ठोक बजा के हम देखते हैं ना, क्रैक तो नहीं है उसमें, छेद तो नहीं है, तब खरीद। ऐसे ही सारे ये जो जगत के भोग है, विषय है, गुरुदेव कहते थे वो क्रैक पॉट है, जैक पॉट नहीं है। परीक्षलोकान कर्म चितान, ये सब कर्म के फल है, कर्म से बने हुए। कर्म से मिलने वाली जो भी चीज होगी वो तो शाश्वत तो होगी नहीं। तो ब्राह्मण निर्वेद माया, यहाँ पर इस साधक को कहा ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ तो कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म जिज्ञासु, ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, विरक्त साधक। वो क्या होता है, निर्वेद को प्राप्त होता है। जब देख लिया, अरे सब चीजों में अधूरापन है, कमी है, जैसा हम चाहते वो तो है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए जरूर लगता है कि हाँ मिल गया, लेकिन फिर खाली जैसे थे। तो निर्वेद माया, निर्वेद मतलब वैराग्य, वैराग्य को प्राप्त होता है। और उसका निर्णय क्या निकलता है, नास्ति अकृतः कृतेन, बोले करने से अकृत वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। अकृत मतलब जो किसी कर्म का परिणाम नहीं, साधन का परिणाम नहीं। पहले आया था ना साधन साध्य। अकृत वस्तु वो है जो नित्य है और वो आत्मा है, और वो कृतेन करने से वो नहीं मिलेगी। क्या सुंदर शब्द है, नास्ति अकृतः कृतेन, कर्म से उसकी प्राप्ति नहीं। अरे उसकी प्राप्ति कैसे होगी फिर, तो अगली पंक्ति लिखते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छति। जो इसे नित्य अकृत शाश्वत वस्तु है उसकी प्राप्ति, उसका विज्ञान गुरु की शरण में जाने से ही होता है। तो ये बड़ा अच्छा चित्र खींचा है, वो गुरु की शरण में जाता है, क्या लेके जाता है, समित पाणी ही, पाणी मतलब हाथ, हाथ में समिधा लेकर जा रहा है, समित मतलब समिधा, कल इसका अर्थ देखेंगे। पूरी विनम्रता से जाता है, समर्पण के भाव से जाता है। और जो गुरु है वो कौन है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्म, ऐसा गुरु मिल, तब वो अपनी जिज्ञासा सामने रख। इस तरह यहाँ पर ये पूरा वर्णन है। श्रुति बिल्कुल उसको एक हाँ शब्द चित्र खींच, यह कथा हमारी हो जाए तब तो हो गया, पढ़ना सार्थक। यहाँ रुकते हैं, कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।